दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप लोगों का दीपांकर राय और मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए एक और वीडियो, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो। गाइस जो आजकल मैं देख रहा हूं जिमों में हो क्या रहा है, ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए है। ये मुझे लगा बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैं बिगिनर्स को देखता हूँ ट्रेनिंग करते हैं वो बहुत ही गलत करते हैं। देखिए जो मोस्टली लोग बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने किसी भी फ्रेंड को जो जिम कर रहा है 3-4 महीने से या 6 महीने से उसके साथ चले जाते हैं और वो ये भी सही से स्टडी नहीं करते हैं कि क्या उसको उस तरह की नॉलेज है, क्या आपको उस तरह से सही मूवमेंट में एक्सरसाइज करा सकता है, क्या वो सही से कर रहा है, बस मेरा फ्रेंड है और हम चल देते हैं। तो बहुत सारे बिगिनर्स को मैंने देखा वो जिम आ जाते हैं और कमाल की बात ये है जो उनको लेकर के आते हैं खुद गलत एक्सरसाइज करते हैं और वो दूसरों को भी गलत एक्सरसाइज कराते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। देखिए ट्रेनर्स होते हैं और उनसे पूछने में आपको बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि वो आप लोगों के लिए ही बैठे हैं। आप उनके पास जाइए, आप पूछिए कि क्या मूवमेंट है, किस तरह से हमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन सिर्फ अपने दोस्त पर डिपेंड हो जाना वो कहीं से भी सही नहीं, क्योंकि वो खुद गलत कर रहा है। इससे क्या होता है आपके इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं। और एक बार देखिए जो अगर आप बिगिनर हो एक बार आप गलत सीख गए तो उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार आपके ब्रेन ने किसी चीज़ को ट्रेंड कर लिया, एक बार किसी चीज़ को आपके ब्रेन ने अडाप्ट कर लिया तो उसको ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ट्रेनर के लिए। फिर बार बार उसे टोकना पड़ता है, बार बार आपकी मूवमेंट को सही करना। तो कोशिश यही कीजिए कि पहली बार में ही अपने मूवमेंट को परफेक्ट बनाइए, ये मेरी बिगिनर्स से रिक्वेस्ट है। और जो एक बिगिनर्स के साथ मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखता हूँ कि वो ट्रेनर से पूछने से घबराते हैं, तो क्या करते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम खोल के देखना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि यूट्यूब इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर उसमें भी आपको देखना है कि क्या आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ज़रूरी नहीं जो एक्सरसाइज वो कर रहा है उससे ही आपकी बॉडी बनेगी। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी बहुत अच्छी फिजिक है, अगर वो अपने हाथों की मूवमेंट भी लेंगे तो उसमें ऐसा लगेगा पंप आएगा, तो ऐसा लगेगा कि उस एक्सरसाइज से मेरी मसल ग्रो करेगी, बट ऐसा नहीं है। देखिए जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं पहले आपको वो अच्छे से परफॉर्म करना आना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, एडवांस एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि हम अगर कोई एडवांस एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी बॉडी जल्दी ग्रो हो जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। बॉडी ग्रो करने के कई सारे फैक्टर्स हैं, आपकी डाइट है, आपका सप्लीमेंशन है, आपका वर्कआउट है, आपका रेस्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें मिलकर के एक अच्छी बॉडी को ग्रो करती है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए सारी चीज़ों का मेल होता है, खाली एक चीज़ से बॉडी नहीं बनती है। दूसरी बिगिनर्स के साथ जो एक प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि अगर हम एक एक्सरसाइज काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, मान लो एक एक्सरसाइज अगर हम एक हफ्ते से करते आ रहे हैं तो दूसरे हफ्ते हमें अलग एक्सरसाइज करनी है, तीसरे हफ्ते हमें अलग एक्सरसाइज करनी है, चौथे हफ्ते हमें अलग एक्सरसाइज करनी है, तभी हमारी बॉडी बनेगी। ये सबसे बड़ा मिथ है गाइस। पहले तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप बेसिक एक्सरसाइज कर रहे हो ना, अगर आप 3-4 महीने भी एक्सरसाइज करो तो आपका प्लेटो हिट कहीं से नहीं करता है। प्लेटो अगर हिट कर भी जाता है तो उसके तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल या अपने ट्रेनर से पूछोगे वो आपको गाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो खुद से ऐसा अज्यूम करना बहुत ज़्यादा गलत है कि लोग क्या करते हैं हर हफ्ते उसको चेंज करते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी ट्रेन ही नहीं हो पाती अच्छे से। अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो 2.5-3 महीने से तो उस मसल पे लोड पड़ेगा, वो मसल ग्रो होना शुरू होगा। आप उसे बार बार शॉक दोगे, बार बार चेंज कर दोगे तो वो कहीं से भी ग्रो नहीं होगा। हर हफ्ते अलग एक्सरसाइज करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे आपका सिर्फ नुकसान हो रहा है। और अगर आप ये गलती करते आ रहे हो तो इसको प्लीज़ चेंज कर दो, क्योंकि मैं बिगिनर्स को देखता हूँ सबसे ज़्यादा जो उनके साथ प्रॉब्लम है वो यही है कि वो हर हफ्ते अपनी एक्सरसाइज को चेंज करते हैं, किसी यूट्यूबर का देख के आ जाते हैं, किसी इंस्टाग्राम का देख के आ जाते हैं और उसको परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका मूवमेंट, उसका रेंज ऑफ मोशन तक उन्हें नहीं पता होता है, किस तरह से एक्सरसाइज परफॉर्म करें ये तक नहीं पता होता, बट वो करना शुरू कर देते हैं। सबसे अच्छी एडवाइस मैं आपको दूंगा बेसिक एक्सरसाइज में रहो, क्योंकि बड़े से बड़ा एथलीट भी ना आज भी बेसिक एक्सरसाइज करता है और उसकी फिजिक देख के आप हिल जाओगे। तो गाइस बी एजुकेट और कोशिश करो कि जितना हो सके बेसिक एक्सरसाइज को रखो। अगर आपको लगता है आपका प्लेटो हिट कर गया है एक लेवल पे जा करके तो एक आध वेरिएशन आप उसमें डालो, ये नहीं कि सारी एक्सरसाइज आपको चेंज करनी है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बिगिनर्स के साथ वो ये है गाइस कि वो कहीं से भी कुछ भी सुन करके यूज़ करना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो तो प्रोफेशनल को हायर करो, प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में करो और किस तरह से वो चीज़ें होंगी वही अच्छे से आपको बता सकता है। अगर आप खुद से करोगे तो आपको हार्म होगा, और मैंने पर्सनली ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो खुद से करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लॉस हुआ। तो किसी भी को देख करके आप कुछ भी मत करो। और चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिगिनर्स के साथ, वो दूसरों की बॉडी को देख करके
बहुत ज़्यादा कहते हैं एक्साइटेड हो जाते हैं कि यार क्या बॉडी इसने इतनी जल्दी बना ली, हमें भी बनानी है। देखो पहली बात तो तुम्हें नहीं पता वो क्या कर रहा है, कब से ट्रेनिंग करता आ रहा है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, और इतना शॉर्ट टर्म में अगर उसने इतना बड़ा मसल बना लिया है तो क्या वो मसल है, क्या वो क्या चीज़ है आपको नहीं पता, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं नहीं पता। तो देखो प्रोसेस ये स्लो है, बट अगर आप सही तरीके से चलो तो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा खुद पर, और मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि किसी प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में करो, ऐसे मत करो, ऐसे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। देखो ये कॉस्टली गेम है, सबको पता है, बॉडी बनाना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप नेचुरली करते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, अपने फूड में पैसा डालो, सप्लीमेंशन में पैसा डालो, ट्रेनिंग में पैसा डालो, अगर आप नए हो आपको प्रॉब्लम है तो ट्रेनर हायर करो, उसमें पैसा डालो, और अगर आप एथलीट हो तो आप लोगों को पता है कि आपको क्या करना है, उसके लिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। तो फ्रेंड्स कुछ ये बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे लगता है कि बिगिनर्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जैसे जैसे मैं देखता रहूँगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरा तो यही मोटिव है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो बिगिनर्स प्लीज़ जो भी आप जिम में नए नए जा रहे हो, अपने दोस्तों से ही सबसे पहले बचो। अगर वो नहीं है अच्छा, उसे नहीं नॉलेज है, नहीं वो अच्छे से कर रहा, तो आप अकेले जाओ, ट्रेनर से बात करो, काउंसलिंग करो, और उसके बाद उसके अंडर गाइडेंस में आप ट्रेनिंग करो। देखिए मैं मानता हूँ फ्रेंड है आपका, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे पूरी नॉलेज हो। सिर्फ थोड़ा टशन दिखाने के लिए आपके सामने वो आपकी ऐसी तैसी कर देता है, और जो आपका गोल होता है उससे आप अगर इतना पास हो तो आप इतना दूर हो जाते हो। तो इन चीज़ों से बचो। इसी के साथ लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाए, सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो सीधा पहुँच जाए आप लोगों तक। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।